आसान खाना सबको सिखाना। आज हमारे किचन में बने बहुत ही यम्मी और टेस्टी कस्टर्ड सेवैयाँ, तो चलिए जी इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर हमें दूध चाहिए और 1/2 कप जितना दूध हम निकाल लेंगे। अब गैस जो है हम ऑन कर देंगे, दूध को उबाल आने देते हैं। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो कस्टर्ड का हम घोल तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, और जो हमने दूध निकाल के रखा हुआ था इसमें डाल देंगे और इसे घोल देंगे अच्छी तरह, कोई भी गुठली ना रहे। मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है इसीलिए मैं वनीला फ्लेवर ले रही हूँ। दूध को उबाल आना शुरू हो गया है तो अब इसमें हम सेवैयाँ ऐड करेंगे। 1/2 कप इधर मैंने कलरफुल सेवैयाँ ली हैं, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती हैं, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें हमने 1/2 कप जितनी चीनी ऐड कर देनी है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सेवैयों को हम थोड़ा सा पकने देते हैं, आँच आपने मीडियम लो कर देनी है और सेवैयों को हमने गलाना है, गलाने तक इसे पकाएंगे। सेवैयाँ पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और जो सेवैयाँ हैं वो अच्छी तरह गल गई हैं, तो अब इसमें हमने कस्टर्ड ऐड करना है जो कि हमने इधर घोल के रखा है। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो अब इसमें डालेंगे और साथ साथ चम्मच या विस्क चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। विस्क चलाते हुए हमने कस्टर्ड को ठीक होने तक पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और कस्टर्ड जो है वो काफ़ी ठीक हो गया है, तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। कंप्लीट ठंडा करना है इसे हमने, और कस्टर्ड ठंडा होने के बाद इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है, कोई सी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। टेट्रा पैक क्रीम 200 ml मैंने ली है, ये इसमें हम डाल देंगे और क्रीम को हमने कस्टर्ड में मिक्स कर लेना। क्रीम को मिक्स करने के बाद इसमें हमने फ्रूट कॉकटेल का 1 3 पैक लिया था और सिरप हमने निकाल दिया, ये इसमें हमने डाल देने। और इधर हमने कलरफुल जेली लिया, ये इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स कर देना। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं, ऊपर से इसे हम गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़े की कस्टर्ड सेवैयाँ बनकर रेडी है। आप इसे ईद पे बनाएं, इवेंट पे बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।